सभी यहाँ पर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से एक लक्ष्य लेकर के आए हुए हैं, अपने घर परिवार को छोड़ते हुए एक टारगेट है आपका, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से आप सभी यहाँ संलग्न हैं। अपना पूरा समय, अपना पूरा प्रतिभा उसमें नियोजित करने का प्रयास आप सभी लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को अपना लक्ष्य जीवन का मिले, आप उसमें सफल हो। लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि जिस उद्देश्य से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स आपने किया है उसका जीवन में लाभ मिल सके। इसके लिए हम सभी को कुछ चीजों पर विचार कर लेना चाहिए कि पर्सनालिटी है क्या, पर्सन सबसे बना हुआ पर्सनालिटी और व्यक्तित्व व्यक्ति से बना हुआ शब्द व्यक्तित्व क्या चीज है। पर्सनालिटी वास्तव में एक जो चीज सामने नहीं होती है वो परलक्षित करती है, उसे कहते हैं पर्सनालिटी। व्यक्ति नहीं है लेकिन उसका कार्य है, वह उसको परलक्षित करती है, इसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मनुष्य जीवन जो है निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ जीवन होते हुए भी इसमें अभी मनीष जी ने जैसे बताया कि हम आजकल फेसबुक पर व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं ज्यादा, तो मनुष्य जीवन में ही ये बुराई भी है कि भटकाव इसमें बहुत ज्यादा है। भटकाव कहां से होता है, कहां से शुरू होती है उसकी भटकाव? भटकर विचार, विचार। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आते हैं, विचार शब्द ग्रहण करते हैं, शब्द से वाक्य बन जाता है और वाक्य पर हम फिर जो है कार्य उस दिशा में चल पड़ते हैं, चलते चलते फिर वो हमारी आदत बन जाती है, आदत फिर हमारा संस्कार बन जाता है, स्वभाव बन जाता है और वह स्वभाव फिर आगे जाकर के करैक्टर में परिवर्तित हो जाता है, चरित्र बन जाता है, फिर हमारी पहचान होती है उससे। चरित्र जो है हमारी पहचान करता है किस रूप में, नर पिशाच के रूप में, नर पशु के रूप में, नर मानव के रूप में और देव मानव के रूप में, ये चार श्रेणियों में हम बढ़ जाते हैं अपने क्रियाओं से। नर पिशाच में कौन आते हैं? आतंकवादी, डकैत, व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, जो समाज को खोखला कर रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? विचार से ही शुरू। फिर उससे आगे की थोड़ी सी श्रेणी बढ़ जाती है तो नर पशु कहते हैं, उनका क्या काम है? खाओ सो, बच्चे पैदा करो खाओ, बच्चे पैदा करो खाओ सो। मनुष्य होते हुए भी नर पशु का जीवन, जैसे पशु जीवन व्यतीत करता है उस तरीके का जीवन हम व्यतीत करते हैं। उससे थोड़ा सा श्रेष्ठ विचार अगर हो जाते हैं उस रास्ते पर चल करके व्यक्ति नर मानव बनता है, अपने लिए भी करता है
और समाज के लिए भी सोचता है, तो नर मानव की श्रेणी में आ जाता है। और उससे आगे जब हम बढ़ते हैं, हमारे विचार और श्रेष्ठ जब हो जाते हैं, तो हम देव मानव की श्रेणी में आ जाते हैं। देव मानव कौन है? संत है, शहीद है, सुधारक है समाज के, जिनमें वेदना होती है कि हम अपने लिए ना जी करके दूसरों के लिए जीने का कार्य करें। दूसरों के लिए जीने के लिए पर्सनालिटी की बात ही आती है। पर्सनालिटी अगर डेवलपमेंट नहीं है हमारा, हमारा चिंतन उत्कृष्ट नहीं है, हमारी क्रियाएं उत्कृष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर हम वह कार्य नहीं कर सकते जो हमें श्रेष्ठ श्रेणी में स्थापित करता है। कद काठी, जिस पर आजकल हम उसे समझ लेते हैं कि ये पर्सनालिटी हमारी दिखाती है, पहनावा, खान पान, 5-star होटल में आना जाना, क्रीम पाउडर ज्यादा, सेंट लगाना, इसको हम समझते हैं ये पर्सनालिटी हमारी डेवलप करती है। अगर ये बात होती तो लाल बहादुर शास्त्री जी 5 feet के होते हुए, महात्मा गांधी 5 feet 1 inch के होते हुए, धोती लंगोटी पहनते हुए, लाल बहादुर शास्त्री अगर विदेश में भी प्रधानमंत्री होते हुए भी जाते थे तो धोती कुर्ता ही में गए, भारतीय भोजन ही वहां भी किया उन्होंने, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कद काठी के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो ऐसी पर्सनालिटी आकर्षित करने वाली नहीं दिखती है। लेकिन कार्य की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, चरित्र के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट श्रेणी में ये अपने आप को स्थापित करने में सफल। लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व, स्वाभिमानी, बालक होते हुए भी अपने साथियों के साथ एक बार जो है मेला देखने गए थे, पैसा नहीं था लौटते में, नाव के देने के लिए नाव का किराया नहीं था उनके पास, तो किस तरीके से अपने को साथियों को भी ना बता पावे, हमारा स्वाभिमान भी जिंदा रहे, नहीं तो साथी थे दे देते पैसा, यार ठीक है चलो हमारे साथी हो हम पैसे दे देंगे, लेकिन स्वाभिमान भी रहे। तो उन्होंने सबसे कहा हमें थोड़ा सा काम है, आप लोग चलो हम भी आ जाए। जब साथी उनके चले गए नाव से तो फिर वो तैर करके उन्होंने नदी पार किया, आदर्श स्थापित करने में शादी होने लगी तो दहेज के रूप में केवल एक धोती कुर्ता, बहुत ही दबाव डालने पर एक धोती कुर्ता और 1 rupee लिया। प्रधानमंत्री होते हुए उनके बंगले में एयर कंडीशन लगाने की बात आई तो उन्होंने सारे कर्मचारियों को लौटा दिया कि एयर कंडीशन हमारे कमरे में नहीं लगेगा। क्या है? ये है त्याग की पराकाष्ठा। जब तक हम अपने जीवन में त्याग नहीं लाते, सेवा की भावना नहीं लाते, दूसरों के लिए कुछ करने की, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, दूसरों को सम्मान दें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को स्नेह दें और बराबर वालों से भाईचारे का व्यवहार करें, छल कपट मन में ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, अहंकार किसी बात का ना होने पाए, आज समाज की स्थिति सबसे ज्यादा किससे बिगड़ी? पढ़े लिखे लोगों से। पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, गांव में रहता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो 2 roti अपनी खाता है, सोता है, रहता है वहां पर। लेकिन जितना ही हम एजुकेटेड होते चले जाते हैं, माइंड शार्प होता चला जाता है, जिसे हम शार्प पॉइंट का कहते हैं, तो उनका चिंतन उतना ही दूषित होता चला जाता है। सबसे बढ़िया मानते हैं डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने के बाद क्या करते हैं, मरे हुए व्यक्ति को भी वेंटिलेटर पर लिटा देते हैं और 3-4 दिन तक घर परिवार के, जब तक उनका पैसा चूस नहीं लेते, जब तक वो रोने नहीं लगते घर परिवार के लोग, तब तक उसे ये डिक्लेयर नहीं करते हैं कि ये मर गया, जबकि मरा पहले से ये 3 दिन। तो
इसीलिए डॉक्टर बने थे, यही सेवा भावना है या यही शपथ दिलाई गई थी या यही जीवन का उद्देश्य है, उस पैसे का क्या मतलब जो लाशों पर चल करके कमाई गई। इंजीनियर बनना चाहते हैं, कितने कपले कर सके, कितने पुल टूट जाए, कितनी बिल्डिंग गिर जाए, और इधर तो बहुत खबरें भी जो 4-6 महीने में आई थी गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग गिर जा रही है, ये क्यों हुआ? ये इसी कारण हुआ कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाया। शिक्षा तो ग्रहण की हमने, एजुकेटेड तो हो गए हम, आईएएस बन जाएंगे तब क्या करेंगे, पूरे जिले के जिले को बेच डालते हैं, क्यों? क्योंकि हम तो राजा है वहां के, उस जिले के मालिक है तो था। इस बात को हम भूल जाते हैं कि जब हम नहीं बने थे तो किन परिस्थितियों में हम रहते थे। अगर हम अपनी परिस्थितियों को याद रखें, मैक्सिमम आईएएस बनने वाले बच्चे, मैं जहां तक मेरा अनुभव है 80-90% बच्चे जो है गरीब परिवार के होते हैं, अभाव में जिनका जीवन व्यतीत होता है, कठिनाई से जो उस वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण ना होने से, चरित्र चिंतन और व्यवहार में उत्कृष्टता ना आने से उनके क्रियाकलाप उस स्तर के नहीं हो पाते हैं और वो भी उसी मार्ग पर चल निकलते हैं, उस अभाव को पूरा करने में लग जाते हैं जिसको उन्होंने 30-35 साल गुजारा था। और एक दिन अब तब ऐसा आता है कि वो पराकाष्ठा जब होती है तो जेल के शिक्षों के पीछे हम अपने को पाते हैं। ये क्या है? ये वही बात है कि हमने अपने चरित्र का निर्माण नहीं किया। पढ़ाई तो करी, विद्वता तो हासिल करी, ज्ञान तो हासिल किया हमने, लेकिन ज्ञान का प्रयोग कैसे हो इस विधा को हम नहीं समझ पाए, ना उस पर अपने को चलाने के लिए तैयार कर पाए। व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए भी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जैसे अंगुलीमाल का पहला व्यक्तित्व क्या था? चूचना, उंगली काटना, उंगली माला पहन लेना। लेकिन वो बुद्ध के संपर्क में आया तो इसी को कहते हैं पारस पत्थर से सोना बनाने की प्रक्रिया। पारस पत्थर तो होता नहीं है ऐसा, पारस पत्थर आप सब हैं, आपका व्यक्तित्व तो पारस पत्थर बन सकता है, आप कल्प वृक्ष बन सकते हो, जो भी आपके नीचे बैठ जाए उसकी जो मनोकामना पूरी हो जाए, कब होगी? जब आपका व्यक्तित्व निखरा होगा तो आपके संपर्क में जो भी आएगा वो भी वैसा ही बनेगा, बनना होगा उसे। एक शराबी अगर शराबी बना लेता है, एक सिगरेट पीने वाला साथी बना लेता है सिगरेट पीने के लिए, नशा करने वाला नशा साथी बन जाते बहुत जल्दी से, लेकिन हम अच्छे व्यक्तित्व की तरफ क्यों नहीं आ सकते? मर करके अब चले जाते हैं, मर गए, अमर कौन हो जाता? अमर में अमर क्या होता है? व्यक्ति या व्यक्तित्व? व्यक्तित्व होता है, कार्य होता है, व्यक्ति अमर नहीं हुआ करता, और व्यक्तित्व ही याद किया जाता है, व्यक्ति नहीं याद किया जाता बल्कि उसके कार्य याद किए जाते। महात्मा गांधी अगर राष्ट्रपिता है तो उनका कार्य है, पढ़ाई की दृष्टिकोण से वो साधारण थे, लेकिन जब एक चीज उन्होंने उनके संकल्प हुआ एक, क्या? सच बोलेंगे, सत्य से बिल्कुल नहीं टिकेंगे, तो इस बात ने उनके व्यक्तित्व को राष्ट्रपिता के स्तर पर पहुंचा दिया, महात्मा गांधी बना दिया।
अशोक सम्राट अशोक क्या था, आदताई नरसंहार किया करता था, लूटता था, इतना साम्राज्य मिला ले, वो भी गौतम बुद्ध के संपर्क में आए तो क्या बन गया, पूरा परिवार भिक्षु बन गया, समाज के कार्य में लग गया। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारा चरित्र चिंतन बिगड़ा हुआ है तो ठीक नहीं हो सकता, ठीक हो सकता, दोनों गुण आप में ही है, नीचे जाने का भी और ऊपर आने का, बस ऊपर आने के लिए थोड़ा सा आत्मबल को मजबूत करना ही होता है, चिंतन को उत्कृष्ट बनाने की श्रेणी में अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, आंतरिक व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है, बाह्य व्यक्तित्व है जरूरी लेकिन एक सीमा तक। बाह्य व्यक्तित्व में आता है स्वास्थ्य, वाणी, स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा, शरीर नहीं ठीक रहेगा तो पढ़ाई होगी, क्यों पढ़ाई होगी, पढ़े रहेंगे वैसे ही, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी ध्यान का मेडिटेशन को अपने जीवन में जरूर स्थान दीजिए, योगा को स्थान दीजिए, व्यायाम करिए, वाणी कैसी हो, एक भाई जूते भी खिला सकती है, एक जो है गले भी लगवा सकती है, तो अगर व्यक्तित्व का निर्माण किस तरह करना चाहते हो ये सोचना पूरी तरह से अपने आप के ऊपर निर्भर है। टाइम मैनेजमेंट करोगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करने में सक्षम होंगे। व्यवहार हमारा कैसा हो, किसी के क्षेत्रान्वेषण न करें, बुराई न करें, चुगली न करें, कथनी और करनी में हमारी भिन्नता ना हो, एक दूसरा कह कुछ रहे कर कुछ रहे, अगर हम ये पीले वस्त्र पहने हुए यहाँ पर आपके सामने हैं, इसके अनुरूप अगर हम आचरण नहीं करते हैं तो आज के समाज में जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, बाहुल्य है पढ़े लिखे लोगों का, क्या हमारा प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आप हमारे सामने कुछ ना कहें लेकिन इस दरवाजे से बाहर निकलते ही आप कई तरीके की टिप्पणी कर सकते, क्यों, हमारी कथनी और करनी में अगर अंतर होगा, हम यहाँ कहें कि आप मच्छ ना खाओ, हम यहाँ कहें कि चुगली ना करो, हम यहाँ कहें कि माँ बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और हमारा कृतित्व कैसा हो, उसका उल्टा, उसका असर नहीं पड़ेगा, वही होना भी चाहिए। देखें, हमें ईश्वर ने दृष्टि दी है, सोचने की शक्ति दी है, तो हम समीक्षा जरूर करें। इस समीक्षा के अंतर्गत सबसे पहली समीक्षा आती है अपनी समीक्षा, आत्म समीक्षा करो। आत्म समीक्षा के लिए आप रोज कम से कम 2-5 मिनट का समय निकालो, प्रातः उठते समय समीक्षा करो, आत्मबोध की साधना करो। आत्मबोध की साधना क्या है कि हम आज क्या क्या करेंगे, टारगेट बनाओ, 12 घंटे का टारगेट कम से कम बनाओ, सोने से जान सोते सो बिस्तर पर जाने से पहले का, उसमें देखो आप कि हमसे क्या क्या कमी हो रही है, घर छोड़ करके आए हैं, माता पिता का पैसा भी खर्च हो रहा है, उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है दुरुपयोग हो रहा है, साथियों में तो नहीं फंस गए, भटक तो नहीं गए टारगेट से, लक्ष्य क्या लेकर के आए घर से, पूरा परिवार वहां आपका इंतजार करता रहता है कि हमारा बच्चा कब अपने टारगेट को प्राप्त करेगा। ये तब हो सकता है जब हम अपनी आत्मसमीक्षा करते हुए अपनी त्रुटियों को ढूंढे खुद, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से अच्छा अपना अपनी बुराई के बारे में अगर कोई सबसे ज्यादा जानता है वो कौन है, खुद, माता पिता भाई बहन साथी कोई भी नहीं जान सकता जो हम जानते हैं, और जब हम जानते हैं फिर भी उसे नहीं कर ठीक कर रहे हैं तो फिर हमारा तो पतन हो ही रहा है धीरे धीरे,
हमारी पर्सनालिटी तो गिरी रही है नीचे नीचे, इसलिए हम अपने प्रामाणिकता बनाए, उसकी पहचान बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में जरूर उतारे। अपने भारतीय संस्कृति में कहा गया है मातृवत परदादे, दूसरी सभी माँ बहने हमारी माँ के समान, लोष्टवत परद्रव्येश, दूसरे का धन हमारे लिए पत्थर के समान, लालच न कर, और आत्मवत सर्वभूतेश, पूरी वसुधा में एक ही आत्मा है और हमारी कुटुंब है। फिर आपस में वैमनस्य नहीं होगा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी भी व्यक्ति को होना चाहिए, बिल्कुल बिना महत्वाकांक्षा के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो हम कंप्लीट कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन वो प्रतिस्पर्धा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम तुम्हारी टांग खींच करके गिरा दें, महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए। हमारा अपना अनुभव है, आगरा में एक डॉक्टर थे, बहुत पहले की बात है, अपना दोस्त था वहां पर, तो उनका ऐसा स्वभाव था कि वो जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाते थे और पेट जब खोल देते उस समय पूरा पेट चीर करके ही ऑपरेशन हुआ करता है, पूरा यहां से पेट खोल देने के बाद थोड़ी देर बाद बाहर निकलते थे और मरीज के परिवार वाले बुला कहते थे कि भाई देखो ये तो हमने बताया था, इसके अलावा ये और इसमें गड़बड़ी है, आप कहो तो ठीक कर दे, नहीं तो वैसे आप बताओ कौन परिवार वाला होगा जो ऐसा कहेगा नहीं भैया पेट बंद कर दो उसे रहने दो। तो ना होते हुए भी कोई बीमारी ना होते हुए भी दो तीन बीमारियां गिना करके उसका चार्ज अलग से लिया जाता। तो ये हमारे चिंतन पर, हमारे चरित्र पर, हमारे व्यवहार पर कहीं ना कहीं उंगली उठाता है, प्रश्न लगाता है, और हम उस समाज से कटते हुए चले जाते हैं जिस समाज के लिए वास्तव में हमारा जन्म हुआ है। मनुष्य का जीवन पशुवत जीने के लिए नहीं है, बिल्कुल अपने पर्सनालिटी को इस स्तर तक पहुंचा करके समाज की सेवा के लिए लगाना, संत शहीद, अगर शहीद ना होते तो हम आज आजाद नहीं हुए होते ना, और सुधारक समाज में सुधारक ना हो, संत जो अपने लिए कुछ ना करता हो, त्याग करके समाज के लिए सब कुछ वितरित कर देता हो, इस श्रेणी में हम अपने स्थापित करें। धन अर्जन करना बुरा नहीं, लेकिन धन का प्रयोग कैसे किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नैतिकता से जो धन अर्जित किया जाए वह आपकी पर्सनालिटी को भी परिलक्षित करता है। आप सभी का बहुत बहुत उज्जवल भविष्य, जो भी आप पाना चाहते हो उसे देना सीखो। आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है हल करना तो ये ना सोचो कि इसको बता देंगे तो ये पास हो जाएगा, हम नहीं पास होंगे, उसे बताओ, उसके बताने से आपकी प्रैक्टिस होगी, आप अगर कहीं कुछ कमी रही हुई तो और ठीक हो जाएगी, रिवीजन होगा आपका, आप सबको एक साथ लेकर के चलो, क्योंकि भाई है आपके। मैं इसी के साथ अपनी बात एक शब्द कहते हुए समाप्त करूंगा। एक अंग्रेजी में शब्द आता है वॉच, वॉचमैन, सुना है वॉचमैन क्या करता है, आदमी जो सुरक्षा करता, देखता रहता है, दृष्टि रखता है। तो आप अपने वॉचमैन बन जाओ, क्या क्या वॉच करो, वॉच योर वर्ड्स, क्या बोल रहे हो, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, वॉच योर एक्टिविटीज, क्या क्रियाकलाप कर रहे हो आप, अच्छे पूरे
वॉच योर थॉट्स, कैसे विचार बनते रहते हैं, विचार ही हमको आगे आकर के व्यक्तित्व बना देता है हमारा, बताया आपको हमने, ठीक है ना। वॉच योर कैरेक्टर एंड वॉच योर हार्ट, हृदय में दया करुणा प्रेम सद्भावना स्नेह त्याग परोपकार है या ईर्ष्या लोभ मोह द्वेष अहंकार जड़े जमाए बैठती चली जा रही है जो हमारे व्यक्तित्व को नष्ट करते हैं। और अगर दया करुणा प्रेम सद्भावना स्नेह है तो हमारे व्यक्तित्व को ऐसी स्थिति में ले जाएगी जो स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त करती है, आपकी पहचान बनाती है समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, विश्व में। आप सभी का बहुत बहुत उज्जवल भविष्य। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।